नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, क्या रियल जिंदगी में चमत्कार होते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है जिसको कहा जाए कि यह संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता? दोस्तों, ऐसा होता है और ऐसा मेडिकल साइंस में भी होता है, और आज का जो केस स्टडी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज मैं बात करूंगा मूर्ता देवी, 54 साल एज की एक पेशेंट, भदोही उत्तर प्रदेश की निवासी। इनको कुछ दिक्कत हुई, तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर्स के यहाँ लोकल डॉक्टर्स को दिखाया, दिक्कत बढ़ती चली गई। फिर किसी ने इनको नेफ्रोलॉजिस्ट पर भेजा, पता चला कि इनकी किडनी खराब है। इलाज करवाते गए, कठिनाई बढ़ता गया और कठिनाई बढ़ते बढ़ते लगभग 10 पॉइंट तक पहुँच गया। हालत बहुत ज़्यादा खराब, चलने फिरने में अक्षम, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खाना पीना बंद, लेटरिन पेशाब तक बंद हो गया था। अभी यहाँ तक लोगों ने समझा था कि उसकी मौत का वो इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा तुरंत डायलिसिस कराओ, फाइनेंशियल वीक पेशेंट, डायलिसिस से भी डर रहे थे, कराना नहीं चाहते थे। 6 कठिनाइन के बाद नॉर्मली डायलिसिस की सलाह दे दी जाती है, लेकिन कठिनाइन 10 पहुंच चुका है और दूसरी तरफ पेशेंट की फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। क्या ऐसे क्रिटिकल स्टेज पर आयुर्वेद कुछ कर सकता है? क्या ऐसे क्रिटिकल स्टेज पर एलोपैथ कुछ कर सकता है? क्या कुछ चमत्कार ऐसा हो सकता है कि ऐसा पेशेंट रिकवर कर जाए, डायलिसिस से बच जाए, नॉर्मल स्टेज पर चला जाए? आइए हम मिलते हैं ऐसे पेशेंट से, मूर्ता देवी से और उनके अटेंडिस से, और देखते हैं कि क्या हुआ उनके साथ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है, ये हमारी बहन है जो कि 25 अप्रैल को इनका एक बैग तबीयत खराब हो गया। नाम इनका मूर्ता देवी है, एज 54 साल है, ये संत रविदास नगर भदोही से रहने वाली है। जब इनका तबीयत खराब हुआ तो इनको लेकर हम लोग शुरुआत में पहले भदोही में ही दिखाए थे, उसके बाद कुछ अपने परिचित के डॉक्टर जो बनारस में है वहाँ पर दिखाए, जिसमें कि इनका दिन पर दिन तबीयत बिगड़ता ही गया। उसके बाद उनको लेकर हम लोग कुछ मिर्ज़ापुर भी गए थे, मिर्ज़ापुर गए वहाँ पर भी हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आया। फिर यूट्यूब के माध्यम से हम लोग डॉक्टर बी के आरोग्य उनके नाम को सुने, उसके बाद यहाँ से बात किया गया। बात करने के बाद 2 दिन के लिए हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, डॉक्टर साहब से मिले। जब डॉक्टर साहब से मिले तो उस समय जो जांच हुआ था उसमें इनका टिटेनियम 9.9 था, जो 2-4 दिन के बाद फिर जब उनका फिर इलाज हुआ, इलाज में लगभग 5.5 पॉइंट के आसपास हो गया था। और फाइनल रिपोर्ट के लिए अभी गया हुआ है, जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इतने दिन की चिकित्सा से हम लोगों को काफ़ी रिलीफ हुआ है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। फिजिकल सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम लोगों को 97% लगभग 75% हम लोगों को आराम समझ में आ रहा है। सिर्फ 25% अभी दिक्कत में अभी आ रहे हैं, वो भी अभी सिर्फ 7वां दिन आज इनका इलाज हुआ है। आयुर्वेदिक उपचार के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो कि जो जो हमारा ये यूट्यूब के माध्यम से जो लोग देखें वो लोग आयुर्वेद को तरफ और ध्यान दें। बीके आरोग्य के बारे में हमें यहाँ से बहुत संतोषजनक हुआ है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आने का प्रयास करें। दोस्तों, आपने इनका कहानी सुना, ये उन हजारों लोगों में से एक हैं जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से किडनी फेलियर से लड़ाई की और जीत हासिल की। लेकिन जिस तेजी से और जिस स्पीड से उन्होंने जीत हासिल की, यही एक चमत्कारी घटना थी। मूर्ता देवी जब हमारे पास आई तो इनका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। किसी एक लोकल लैब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका क्रिएटिनिन करीब 15 पहुँच चुका था। पेशेंट लगभग अनकॉन्शियस था, कुछ भी खाना नहीं खा रहे थे, लैट्रिन कई दिनों से बंद था, और हमें भी लग रहा था कि क्या इनकी कंडीशन को रिकवर जल्दी से किया जा पाएगा। हमने सबसे पहले इनका एक ऑथेंटिक लैब में जांच करवाया, जहां पता चला क्रिएटिनिन लगभग 10 के आसपास है।
और तब हमने हिम्मत की कि चलिए इस कंडीशन पे भी हम पेशेंट्स को रिकवर करने की कोशिश करेंगे किडनी रीजनरेशन ट्रीटमेंट के अंतर्गत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आरोग्य धाम भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे किडनी रीजनरेशन ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है और जहाँ पर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, डाइट थेरेपी, योगा, प्राणायाम के माध्यम से रिकवर करते हैं पेशेंट्स को। और हमने यही प्लान किया कि मुर्ता देवी को भी हम एक सर्टन टाइम के अंदर रिकवर करने का प्रयास करेंगे, डायलिसिस से बचाने का प्रयास करेंगे, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और हमने इनको आईपीडी में एडमिट किया। इनकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर, बाकी प्रोसीजर स्टार्ट हुए। 3 से 4 दिनों बाद सबसे पहले तो इन्होंने थोड़ा भोजन करना शुरू किया। शायद 5 से 6 दिन लगे जब थोड़ी थोड़ी लेटरिन इन्होंने करना शुरू किया, चूंकि उन्हें बहुत दिनों से लेटरिन नहीं हो रही थी। इनको भूख लगनी शुरू हुई, इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, फिजिकल इम्प्रूवमेंट मिलने लगा, ये अनकॉन्शियस थी, कॉन्शियस होने लगी, धीरे धीरे चलने लगी, नॉर्मल स्टेज पर आने लगी। एलोपैथी दवाई हमने रिप्लेस की, बीपी कंट्रोल किया, बाकी सारे फिजिकल का सिम्टम्स ठीक किए। ये सब चीज़ें हम हर पेशेंट के साथ करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो सबसे मिरेकल चमत्कारी था वो था इनका क्रिएटिनिन लेवल। पहले ही रिपोर्ट में हमने पाया कि इनका क्रिएटिनिन लेवल सीधे बैक करना शुरू कर गया। और हम 10 दिन के लिए कम से कम एडमिट करते हैं, 10 से 15 दिन के लिए, मिनिमम 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज। तो हर 3 दिन पे हम जांच करते हैं। पहले 3 दिन पे हमने पाया कि इनका क्रिएटिनिन 6 के आसपास आ चुका है, सेकंड और थर्ड और लास्ट पहुंचते पहुंचते 10 दिन पूरा होते होते हमने पाया कि इनका क्रिएटिनिन 1.5 पहुंच चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, 10 क्रिएटिनिन से 1.5। मैं नहीं कहता सबके साथ ऐसा होता है, किसी का 2 ही पॉइंट कम होता है, किसी का 1 ही पॉइंट कम होता है, लेकिन कहीं चमत्कार भी होते हैं जहां 1-10 दिनों के अंदर लगभग 9 पॉइंट तक क्रिएटिनिन बैक हो सकता है। ऐसा मुर्ता देवी के साथ हुआ। जिन लोगों को लगता है कि ये फर्जी और फेक न्यूज़ है, वो लोगों को मैं ओपनली चैलेंज करता हूं, वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स और सारे डिटेल्स हमसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं एलोपैथ डॉक्टर्स को भी, अगर उन्हें लगता है कि हमारी रिपोर्ट्स या हमारी डिटेल्स, हमारी स्टडीज़ फर्जी हैं, नकली हैं, जैसा मैंने कई बार मार्केट में सुना है, मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज। आप आइए हमारे सेंटर पर आइए और सारी स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप साबित करिए कि ये जो बातें हैं, ये जो पेशेंट्स हैं, ये नकली हैं, फर्जी हैं, झूठे हैं। तो ये चमत्कार होते हैं। मुर्ता देवी जी ने जीत हासिल की किडनी फेलियर से। हाँ, ये मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया और अपने सारे पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपको रिलीफ इतना फास्ट मिला, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह ठीक हो गए, लापरवाही शुरू कर दें, डाइट का रिस्ट्रिक्शन छोड़ दें, मेडिसिन का गैप करना शुरू कर दें, प्लीज़ ऐसा ना करें। मैंने उन्हें इस इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ से विदा किया कि आप अब इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे जब तक कि हम पूरी तरह से आपके इस ओर से निश्चिंत ना हो जाएं और आप पूरी तरह से स्टेबल ना हो जाएं। तो दोस्तों, आप या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी के किसी समस्या से पीड़ित है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। आपकी एक वीडियो किसी को एक होप, एक आशा दे सकती है, किसी को नई जिंदगी दे सकती है, किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे। कोई और पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।